शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पटेल, खबर सेंसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ऐसा लगता है कि आला अधिकारियों पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। आला अधिकारियों की तो बात की ही ना जाए, यहाँ तक कि छोटे तबके के अधिकारियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं ले चलता हूँ आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुए मामले पर। गाजीपुर जिले के स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों से पैसा वसूली की जा रही है, धन उगाही जोरों पर चल रही है। जिले के रजदेवपुर देहाती शेखपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव के लिए आए मरीजों से 1500 से लेकर 1000 तक की मांग की जाती है। आइए देखते हैं गाजीपुर जिले के आर्यन रिपोर्ट, आर्यन राय की रिपोर्ट। क्या क्या हुआ, नाम बताओ पहले। अनवर अली, तेज बोलो। अनवर अली, अनवर अली। अच्छा, कितने पैसे आपसे मांगा गया था यहाँ? 1200 रुपये का गया था, 1100 रुपया, 150 रुपया दाई को, 1000 रुपया मैम ली थी। पैसा लिया किसने यहाँ? ये मैम ली थी। मैम ली थी जी। और कुछ मांगा गया था? नहीं, और कुछ नहीं मांगा था। बोला कि मतलब कागज़ दिया जाए, मतलब जो अकाउंट में पैसे जाएंगे 100 रुपया वो लगेंगे। और आपका नाम? मेरा नाम चंद्रिका। कहाँ से आप आए हैं? हमारा घर कैथोलिया है। कैथोलिया है, क्या आपसे भी पैसा मांगा गया था क्या यहाँ? नहीं, हमारे बगल की थी वो। बगल के लिए कितना मांगा गया था उनसे? उनसे 1500 मांगी थी। किसने मांगा था? इसने मांगी थी। तो आपने दे दिया इनको? उन्होंने दे दिया था, पैसा दे दिया गया। ठीक ठीक, धन्यवाद। हाँ, शेखपुरा प्रसव केंद्र पे कुछ शिकायतें मिली हैं धनुगाई की। जी जी, इस पे आपकी तरफ से क्या कार्रवाई है? आपने अभी हमको बताया, और वीडियो क्लिपिंग में भी अनवर अली हैं जिनकी पत्नी का डिलीवरी हुई और उनके ऊपर आरोप, उन्होंने आरोप लगाया है, और हमसे दुर्भाग्य की वार्ता भी हुई है। उसके क्रम में उन्होंने बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि दो लड़के उनके पास है, पहले तीसरा बच्चा हुआ था, सब कुछ आराम से हो गया, लेकिन वहाँ कार्यरत एनम ने पैसे की मांग किया, और जो कि नितांत गलत है, और हम लोग इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमने तुरंत अपने एडिशनल सीएमओ को सब पूरी बात नोट करा दिया है, और वो 24 घंटे के अंदर जांच करके कि क्या हकीकत है ये चीज़ हमको बताएंगे, और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।